Hey guys, assalamu alaikum. It's me Sadia. Welcome back to my channel. First of all, I want to say sorry to all of you because I didn't upload any video because I was so much busy for an Eid time. But now finally here I am, and here in this video I'm going to share with you one hand care mask. You can use apply this mask on your body as well. So I hope you guys like this video. If you like it, please give me a big thumbs up, like, subscribe and share this video. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss any video. And if you are a new visitor here, so please go ahead and subscribe to my channel and turn on the notifications bell so you don't miss my any video. First, remove your rings. आपके हैंड में जो भी चीजें हैं आप उसको रिमूव कर दो. और यहाँ पर मैंने रिमूव कर दी हैं. और अभी मुझे चाहिए क्लिंजिंग. क्लिंजिंग के लिए हमें चाहिए मिल्क. और अब मैं ये मिल्क ले रही हूँ. मैं यहाँ पे कॉटन पैड ले रही हूँ. कॉटन पैड की हेल्प को से मैं इसके ऊपर जितना भी है इसको डर्ट को मैं रिमूव करूंगी. यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे मेरे हैंड हो गए हैं क्लिंजिंग. मैंने कर दिए हैंड के, और मैं इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही लीव कर लूँगी ताकि मेरे हैंड जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए. नाउ यहाँ पे मेरे पास है एक हॉट टिश्यू पेपर जो कि मैंने इसको वेट कर लिया है हॉट वाटर से, और इससे मैं लेके अप्लाई करूँगी अपने ऑल ओवर माई हैंड पे ताकि जो भी मेरे हैंड पे मिल्क है क्लिंजिंग का वो अच्छे से रिमूव हो जाए. फेस पैक के लिए हमें चाहिए ग्राम फ्लावर यानी बेसन 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून ही जो का आटा यानी बार्ले फ्लावर. तो और आपको एक चाहिए यहाँ पे क्लीन बाउल. और आपको करना क्या है, आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है एक बाउल में मिक्स कर लेने हैं. और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब रोज़ वाटर. और आप ये देख लें कि आपको कितना थिक पेस्ट चाहिए. मुझे थोड़ा सा थिक पेस्ट चाहिए था, लेकिन उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी थी और ऐड करने की, तो उसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के करीब. तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब ही ये ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर. हूँ ये ऑलिव ऑयल जो कि है ऑलिव और सैंडल ऑयल जो कि मैंने पहले से ही बना के रख चुकी थी. बहुत ही अच्छा, ये भी ग्रेट वर्क कर रहा है. इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर करूँगी लाजमी. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के करीब ये ऑलिव ऑयल, और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से. यानी बेसन जो है वो आपके हैंड से आपके फेस से अगर आप यूज़ करें तो सन टैन को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और आपकी स्किन को बहुत ही ग्लो देता है. बार्ले फ्लावर यानी जो का आटा जो है वो आपकी स्किन को लाइटनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी स्किन से एक्नी को रिमूव करता है. अगर आप इसको स्पेशली समर टाइम में यूज़ करें तो इसके बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे.
जो आपके पास थोड़ा सा बच जाएगा आप इसको एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आपको 20 to 25 मिनट्स के लिए ऐसे ही इसको लीव कर देना है और उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लें। तो यहाँ पे मैंने 20 to 25 मिनट्स के बाद अपने हैंड को वॉश कर लिया है और अब आप यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। यही मैंने फेस पैक जो है अपने फेस के ऊपर भी अप्लाई किया था। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऐसा मॉइस्चराइज़र अगेन ऑलिव ऑयल, जो कि सैंडलवुड ऑलिव ऑयल था, उसको मैं ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ अपने हैंड पर। उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स लिए हैं और इसको लेके अपने हैंड पे मैं रब कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कि कितना अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय एनी वीडियो। सो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।